इलेक्शन कवरेज के दौरान जब हम ग्वालियर पहुंचे तो हमें पता लगा कि ग्वालियर के चुनाव में तानसेन की एंट्री हो चुकी है और इस समय हम तानसेन की साधना स्थली पर हैं। यहां पर आकर के एक दिव्य सी अनुभूति हो रही है क्योंकि यहां शांति है। यहां आप आइएगा अगर तो आपको पता लगेगा कि एक शांत आश्रम जैसा होता है, उस तरह का माहौल है। चिड़िया चहक रही है और पेड़ काफी हैं और काफी प्राचीन पेड़ हैं यहाँ पर आप देखिए, तो ये एहसास होता है कि हाँ, अगर ये कहा जा रहा है कि ये तानसेन की स्थली है तो जो इस तरीके के साक्ष्य होते हैं उनमें एक साक्ष्य ये पुराने पेड़ भी हैं बरगद के, जो ये बता रहे हैं कि कम से कम ये स्थल काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। तानसेन का जो समय है वो 1500 ईस्वी का समय है और ये जो पेड़ हैं ये कितने पुराने हैं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो दृश्य आप देख रहे हैं उससे आप खुद अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि एक पेड़ की जो शाखा है वो पूरे एक लंबी दूरी तय करते हुए दूसरे पेड़ तक आकर के पहुंची है। तो ये जो विशाल वृक्ष हैं उस समय का और ज्यादा घने रहे होंगे, इस समय एक तरीके से इनकी आयु पूरी होती हुई सी दिख रही है, तो जितने घने ये अभी दिख रहे हैं उससे ज्यादा घने रहे होंगे ये अंदाज मिलता है। दूसरी जो किंवदंती है, जैसे तानसेन को लेकर के तमाम किंवदंतियां हैं, हर किंवदंती उनके जो संगीत की महारत है उसको और ऊंचा उठाने वाली हैं, उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने वाली हैं। यहाँ पर हम आपको किंवदंती जो है वो बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर आप सामने देखिए, ये शिव जी का मंदिर है और ये मंदिर एक ओर को स्पष्ट रूप से झुका हुआ है और काफ़ी झुका हुआ है। यहाँ पर ये मान्यता है कि तानसेन इसी मंदिर के पास, ये जो स्थल आप देख रहे हैं यहाँ पर वो बैठा करते थे और इसी स्थल पर बैठ करके साधना किया करते थे और उनकी साधना के कारण ही ये मंदिर एक ओर को झुक गया। यहाँ के जो पुजारी जी हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ की मान्यता है और क्या कहा जाता है यहाँ पर तानसेन को लेकर के। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजीव शर्मा है। संजीव शर्मा जी, ये जो मान्यता है क्या है, ये जो इस मंदिर की मान्यता है? यहाँ पे इस मंदिर की मान्यता ये है कि पहले जो साधु हुआ करते थे वो यहाँ तपस्याएं करते थे और यहाँ पे ऐसे 9 सिद्ध थे, जिनमें से एक सिद्ध थे झिलमिलेश्वर गुरु, जिनके नाम से ये मंदिर जाना जाता है। आज ये झिलमिलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो नदी जो निकली है अपनी, वो भी झिलमिलेश्वर के ही नाम से निकली हुई है। तो यहाँ जो जो शिवलिंग जो आपने देख रहे हैं, ये शिवलिंग अपने यहाँ एक अद्भुत शिवलिंग है, इसे अपन पंचमुखी शिवलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहले जो तानसेन जी थे, उनके माता पिता थे तो उनके पास पहले कोई संतान नहीं थी, तो वो यहाँ शंकर जी पे आते थे और रोज दूध से अभिषेक करते थे उनका। जब रोज दूध से अभिषेक करते थे और उनसे रोज विनय करते थे कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति, ऐसे करते करते कई वर्षे बीत गई, तब जाके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था रामतनु पांडे। आज अपन तानसेन जी के नाम से जानते हैं, उनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तो यहाँ बैठ के वो साधना करते थे, जब उनका जन्म हुआ था तो उसके बाद में वो यहीं बैठ के साधना करते थे। वो यहाँ साधना करते करते उनकी ऐसी साधना हुई थी कि स्वयं भोले बाबा प्रकट हुए थे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, बोले मांग क्या मांगना चाहता है, मैं तुझे बड़ा प्रसन्न। तो उन्होंने गले की तरफ इशारा किया, तो जैसा ही गले की तरफ इशारा किया तो शंकर जी ने कहा, बोले जितनी जोर से आवाज लगाई जाए, उतनी जोर से आवाज लगा। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे आवाज लगाई, आवाज के ही साथ पूरा मंदिर अपना साइड को झुक गया। जिस चबूतरे पे अपन बैठे हुए हैं वो चबूतरा पूरा खिल खिल हो गया था, फट गया था। तो उन्होंने कहा, अब तो मैंने तुझे दर्शन भी, अब तो तेरी आवाज भी आ गई, अब मांग क्या मांगना चाहता है, मैं तुझे बहुत ही प्रसन्न। तो उन्होंने कहा, बोले प्रभु मुझे आपने आवाज तो दे दी, अब मुझे आप अपने दर्शन तो दे भाई। तो जैसे ही शिवलिंग के दर्शन दिए उन्होंने शिवलिंग में से, तो शिवलिंग भी उसी साइड को झुक गई अपनी। तो उन्होंने कहा, अब मांग क्या मांगना चाहता है। बोले अगर देना ही चाहते हैं भोले बाबा तो मुझे ऐसा वरदान दे जिससे मेरा नाम। तो बोले मांग क्या मांगना चाहता है। बोले संगीत मुझे ऐसा बना दे कि मेरे जैसा कोई होने ना पाए। तो भोले बाबा ने खुश होकर वरदान दिया। या अपन ये कह लें कि स्वयं सरस्वती उनकी जीवा पे ऐसी विराजमान हुई थी कि वो यहाँ बैठ के कौन सा भी राग छेड़ते थे तो पूरे जीव जंतु उनके बगल में आके बैठ जाया करते थे। भर गर्मियों में मेघ मलार गाते थे तो भर गर्मियों में उसमें बारिशें आ जाती थी। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो
काफी प्राचीन है लेकिन चौकोर है। हाँ। वो शिवलिंग के आकार में नहीं है। जी, शिवलिंग के आकार जिस तरह से शिवलिंग है जो आपने देखी होंगी सब जगह गोल शिवलिंग होती है, लेकिन अपने यहाँ गोल नहीं है, अपने यहाँ चौकोर है, क्योंकि ये स्वयं ही जमीन से निकली हुई शिवलिंग है, स्वयंभू। हाँ। और इस पे कुछ लिखा भी हुआ है? हाँ, इस पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसकी आज तक किसी ने पहचान नहीं कर पाई है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। वो लिपि नहीं पढ़ी जाती। क्योंकि वो लिपि जो लिखी है वो ऐसे भाषा में लिखी है कि उसका भाषा कोई करना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो स्थल है ये साधना स्थल नाम से जाना जाता है और एक आश्रम है ये। ये जो पूरा इलाका है ये किस नाम से जाना जाता है? जलमलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है पीछे का, ये भी उसी समय का है? ये उसी समय का है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जाता है जो पहले हमारे जो पूर्वज थे वो ये कहते थे कि यहाँ स्वयं अकबर आए थे। तो अकबर ने कहा, बोले मैं इस मंदिर को तोड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़वा के दोबारा बनवाया था। दोबारा बनवाने के बाद में जब तानसेन जी से कहा, बोले अब दिखाओ उसे टेढ़ा करके कैसे टेढ़ा होता है। तो जैसे ही उनसे कहा तो उन्होंने कहा, बोले ये टेढ़ा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, बोले इससे तो अच्छा मुझे संगीत मिलता ही नहीं, वो बढ़िया था, क्या संगीत के कारण मेरा सर ही कट जाएगा। तो उन्होंने बैठ के भोले बाबा के सामने बैठ के विनय की, और विनय करने के बाद में जैसा ही उन्होंने वो किया, तो जैसी विनय करने के बाद में जैसे आज कहते हैं ध्रुपक, आज ध्रुपक यही का देन है। तो जैसा ही उन्होंने ध्रुपक गाया तो ये मंदिर फिर वैसा ही का वैसा झुक गया था। तो अकबर ने यहाँ बैठ के माथा पटका, माथा पटकने के बाद में ये आमने सामने की दोनों दानाले बनवाई थी और यहीं बैठ के नौ रत्नों में से तानसेन जी को एक रत्न में घोषित किए थे। ये अकबर के समय का ही बनवाया हुआ है? अकबर के द्वारा? ये अकबर के ही समय का बनवाया, अकबर ने ही बनवाए थे। तो इस तरीके से जो यहाँ की मान्यताएं हैं वो तानसेन को उनका जो व्यक्तित्व है उसको ऊंचा उठाने वाली है। तानसेन का नाम राम तनु पांडे था ये बताया जाता है और अकबर के नवरत्नों में तो वो थे ही, और उनका जन्म 1500 ईस्वी बताया जाता है और निधन 1586 यानी 86 साल के होकर के वो मरे थे। खास बात यह है कि संगीत सम्राट तानसेन की जो नगरी ग्वालियर है उसके लिए कहावत है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ये इस ग्वालियर के लिए एक किंवदंती है, जिस तरीके से तानसेन को लेकर के तमाम किंवदंती है, तो तानसेन के ही व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाने वाली एक ये भी किंवदंती है। तो इस तरीके की किंवदंतियों से भरा हुआ है जो तानसेन का इतिहास है। यहाँ पर जो पूरा आश्रम है ये, यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी बहुत अच्छा लगेगा, और तानसेन के बारे में यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो जो बातें बताते हैं वो सुनकर के भी आपको तमाम नई बातें तानसेन के बारे में पता लगेंगी। तानसेन ने दीपक राग गाया, उनको मजबूर किया गया। तानसेन के जो विरोधी थे अकबर के दरबार में, उन्होंने अकबर से कहा कि सिर्फ तानसेन दीपक राग गा सकते हैं तो उनसे गवाइए, लिहाजा तानसेन को गाना पड़ा। और कहा जाता है कि उससे अकबर के दरबार में ही तानसेन के जो बदन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा होने लगी और फिर पूरे माहौल में गर्मी पैदा होने लगी। उससे जो दरबार के लोग हैं वो दरबार छोड़ के जाने के लिए विवश हुए और फिर तानसेन भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गए और उसके बाद वो गुजरात गए। वहाँ पर मेघमलार गाया गया एक बादशाह की बेटी के द्वारा, जो स्थानीय सामंत थे संभवतः, उनकी बेटी के द्वारा मेघमलार गाया गया, उससे उनका स्वास्थ्य लाभ हुआ। इस तरीके की अनेकों किंवदंतियाँ हैं तानसेन को लेकर के, और एक से बढ़कर एक किंवदंती है। खुद तानसेन मेघमलार गाते थे तो बारिश होने लगती थी, इस तरीके की किंवदंतियाँ हैं। हालांकि जो दीपक राग है उसके बारे में कहा जाता है कि आज के समय में दीपक राग के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उससे मिलते जुलते कुछ राग हैं लेकिन कौन सा राग दीपक राग था इसकी जानकारी आज नहीं है। यहाँ पर जो बात हमने शुरू में कही थी कि यहाँ पर ग्वालियर की राजनीति में
तानसेन की एंट्री हुई है, तो वो इसलिए क्योंकि जो सरकारी कागज हैं उसमें अभी तक तानसेन की जो जन्मस्थली है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। ये जहां हम खड़े हैं ये तानसेन की साधना स्थली है, लेकिन जन्मस्थली भी ग्वालियर में है। सारे लोग जानते हैं कि बेहट नाम के गांव में उनका उनकी जन्मस्थली है, लेकिन सरकारी कागज की बात करें तो उसमें अभी तक तानसेन की जन्मस्थली की खोज नहीं हो पाई है। हमारे साथ यहाँ पर आशीष चतुर्वेदी हैं जो कि बड़े एक्टिविस्ट हैं यहाँ के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और तानसेन की जन्मस्थली के बारे में कुछ खोज की है। जो तानसेन की जन्मस्थली है वो तो सब जानते हैं कि बेहट में है, फिर विवाद क्या है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ के प्रवीण, वो क्यों तानसेन का मुद्दा उठा रहे हैं? जैसे कि आपको पता है किसी भी एक व्यक्ति की जन्मस्थली पूरा जिला या पूरा गांव नहीं होता, तो तानसेन की जन्मस्थली भी बेहट गांव में एक घर है जिसके संबंध में चूंकि लगातार शासन और प्रशासन हर वर्ष ग्वालियर में एक तानसेन भव्य तानसेन समारोह आयोजित करता है जिस पर लाखों करोड़ों रुपये लगातार कई सालों से खर्च किए जाते रहे। पिछले 4 साल पहले ये विषय मेरे द्वारा शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया गया। इसी बेहट गांव की अंदर सकरी गलियों में एक घर है काफ़ी पुराना जिसमें एक गड़रिया पाल समुदाय के लोग रहते हैं और पास ही एक खंडर पड़ा हुआ है। उन दोनों घरों को, विवादित जो ढांचे जिनको कहें, उन दोनों घरों को तानसेन का जन्म स्थान बताया जाता है। उनके संबंध में काफ़ी जांच पड़ताल मेरे द्वारा की गई जिस पर काफ़ी रिपोर्ट डिटेल मेरे द्वारा बनाई गई। उस समय इस तानसेन साधना स्थली से लगी हुई माफी की भूमि पर जो भूमाफियाओं का कब्जा था जिसके प्रति भी शासन प्रशासन का लक्चर जो रवैया उदासीनता थी उसको भी सामने रखा गया। इस पूरे मामले में तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा एक जांच कराई गई। उस पूरी जांच में ये सारी बातें सामने आई। उस जांच की रिपोर्ट SDM ने कलेक्टर को भी सौंपी थी और उसके बाद तानसेन की जन्म स्थान पर प्राकलन बनाए जाने हेतु पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा गया, उनके निदेशक को इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु उसे संरक्षित करने हेतु लिखा गया, लेकिन आज तक ये फाइलें और ये कागजी आदेश धूल खा रहे हैं। इसकी वर्तमान स्थिति आप लगातार अभी चल के मेरे साथ देख सकते हैं। तानसेन के जन्म स्थान की क्या दुर्दशा है, तानसेन स्वर सम्राट तानसेन वो हैं कि भारत के नाम का पर्यायवाची हैं। अगर विदेशों में जो लोग जाते हैं, मेरे कई सारे जानने वाले लोग हैं जो विदेश से लौट कर आए, उन्होंने बताया विदेश में वो स्थिति है कि भारत का नाम लो, लोग कहते हैं अच्छा तानसेन की कंट्री, तानसेन उस तानसेन के देश को, आज तानसेन के जन्म स्थान को और तानसेन के गांव को अगर उस तरीके से अनदेखा कर दिया गया तो प्रशासन के लिए एक बड़ा ही। अभी क्या स्थिति है? वह खंडर की स्थिति में पड़ा हुआ, अभी आपको चलकर मैं दिखा। सरकारी कागज में, सरकारी कागज फाइलों में धूल खा रहे हैं, फाइलें टेबल दर टेबल। सरकार अभी ये मानती है कि जन्मस्थली उनकी कहाँ है? सरकार पूरे बेहट को उनकी जन्मस्थली मानती है। बेहट में एक जो घर है जो मेरे द्वारा बताया गया, वो कागजों में फाइल दर फाइल घूम रहा है। अभी तक उसको सरकारी मान्यता नहीं मिली? बिल्कुल, अभी सरकारी मान्यता नहीं मिली, पर सरकार ने उसको खारिज भी नहीं किया है। तो हम चलेंगे और वो जन्मस्थली भी देखेंगे। जो बताया जा रहा है कि बेहट गांव में जो पर्टिकुलर मकान तानसेन की जन्मस्थली है, उस जन्मस्थली को भी देखेंगे। ग्वालियर के बेहट गांव में हम हैं और इसी गांव में तानसेन की साधना स्थली देखने के बाद अब हम पहुंचे हैं साधना स्थली से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये एक किले नुमा एक अहाता है जिसके अंदर माना जा रहा है कि तानसेन का जन्म हुआ था। इस तरीके के 2 प्रमाइसेस हैं यहां पर और इसके 20 कदम की दूरी पर एक और घर है। उस घर में तानसेन का जन्म हुआ था या यहाँ हुआ था ये अभी तय होना बाकी है। हालांकि जो सरकारी कागज हैं उनमें अभी कुछ भी तय नहीं है कि जो ये घर हम आपको दिखा रहे हैं ये एरिया या बगल का घर वो भी सरकार की ओर से अभी चिन्हित नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी हैं जिन्होंने सरकारी तौर पर कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स की हैं जिसके अनुसार इनका कहना है कि सरकार आगे चल कर के ये माने कि ये स्थली तानसेन की जन्म स्थली है, उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई हुई है। आशीष, क्या कुछ अब तक हुआ है इस मामले में कि तानसेन का घर, तानसेन का जन्म स्थल एग्जैक्टली चिन्हित हो सके? तानसेन का जो, यहाँ आप मेरे साथ खड़े हैं, ये
और यहाँ से 50 मीटर दूर आप सामने जो नीला मकान बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दोनों बिल्डिंग है तानसेन के जन्म स्थान और परिजनों के माने जाते हैं। पुरानी किंवदंतियाँ, पुराने लोग जो पुरातन काल से इस गांव के 40 साल जो सरपंच रहे, जो उस मकान में निवासरत हैं, उनका स्वयं का बताना, उनके पूर्वजों द्वारा जो उनको बताया गया, इसी गाँव के इसी घर में और वहाँ अंदर जो एक मड़ा है वहाँ तानसेन रहा करते थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। और उसके बावजूद भी, लेकिन चूंकि शासन और प्रशासन लगातार जो ग्वालियर और ग्वालियर का नाम तानसेन की वजह से विश्व पटल पर जाना जाता है, पूरे बहट गांव को तानसेन की जन्म। कानूनी प्रक्रिया क्या चल रही है? कानूनी प्रक्रिया के तौर पर जब मैंने इस बात के प्रमाण शासन के पास रखे, कलेक्टर और पुरातत्व विभाग के पास, तो पुरातत्व विभाग ने इस संबंध में जांच हेतु कलेक्टर ने निर्देशित किया पुरातत्व विभाग के निदेशक को, जांच वर्तमान में प्रचलित है और उस जांच का क्या हुआ, क्या निष्कर्ष हुआ, आज तक तय नहीं कर पाई। शासन और प्रशासनिक टेबलों पर वो जाँच धूल खा रही है। तो जहाँ हम खड़े हैं ये कहा जा सकता है कि यही जन्म स्थल है तानसेन का? ये तानसेन का घर है, क्योंकि ये और वो दूसरा घर दोनों ही एक ही परिजनों के हैं, या तो ये स्थल या वो स्थल, जहाँ दोनों में से कहीं एक घर में तानसेन का जन्म हुआ, लेकिन तानसेन पले बड़े दोनों इन्हीं दोनों घरों में। दोनों घरों में से किस में ज्यादा संभावना है तानसेन के जन्म की? तानसेन के जन्म की संभावना, चूंकि ये उन्हीं के परिजनों के, उन्हीं के पूर्वजों के, तानसेन जो रामतनु पांडे थे उनके माता पिता जब शांत हो गए थे तो भेड़ बकरियां और गाय चराकर वो जीवन यापन करते थे, तो बाद में पाल जो गड़रिया समुदाय जो भेड़ बकरी चराने का काम करता है, उनके समुदाय में रहकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, तो जो गड़रिया समुदाय के लोग हैं वो उस घर में रहा करते थे। तो ऐसा संभावना यह व्यक्त की गई है कि रामतनु पांडे उनके माता पिता यहाँ रहा करते होंगे, जब माता पिता के देहावसान बाद वो उस गड़रिया परिवार के साथ उस मकान या उस परिवार में निवास करते रहे होंगे। यानी तानसेन का जन्म संभव है इसी इसी घर में हुआ जहाँ हम लोग खड़े थे। अब हम लोग दूसरे घर में आ गए हैं जहाँ बाल्यकाल बीता, वो आगे नीली बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं, वो नीली बिल्डिंग पुराने 40 साल इस गांव के सरपंच रहे उन गड़रिया समुदाय की है और उनका परिवार आज भी उसमें निवास करता है। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो अंदर जाके एक पुराना मड़ा जिसको कमरा है, उस कमरे में ही उनका बचपन का जीवन बीतना बताया जाता है। तो ये पाल परिवार का घर है बिल्कुल इस समय? हाँ। तो यहाँ पर कोई है जिससे हम लोग बात कर सकेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि भीतर जाएं और यहाँ पर बातचीत करें कि अभी जो लोग रहते हैं उनकी क्या मान्यता है, क्या वो इस बात को इंडोर्स करते हैं कि यहाँ पर तानसेन का जन्म हुआ होगा या हो सकता है। पहले तो ये घर देखिए, पीछे का जो पोर्शन है वो नया बना है और एकदम पीछे का जो कमरा है वो पुराना है, बाकी बीच का हिस्सा नया बना है, लेकिन ये काफी पुराना कमरा है। आप देखिए जिस घर में हम खड़े हैं उसे तानसेन की जन्मस्थली माना जा रहा है। यहाँ इस घर में जो लोग इस समय रह रहे हैं, आप इसी घर में रह रहे हैं? इसी घर में रह रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? रामवीर बघेल। तो क्या कहानी है यहाँ की, आप लोग क्या जानते हैं बचपन से? हम तो बचपन से यही जानते हैं कि यहाँ पर मतलब यही आप लोग आते रहते हैं, यही देखने वाले के तानसेन की जगह है, और पापा बताते रहे घर वाले लोग, तो यहीं पर आते रहते हैं। क्या बताते हैं पापा लोग? कि ये जगह है, यहाँ पर रहते थे, पुरखा बताते रहे, पापा जी के पूर्वज पापा बताते रहते। ऐसे ये बताया कि यहाँ पर जन्म हुआ था तानसेन का? सुनते थे, बताते थे, आप पता नहीं मगर सुनते थे। क्या क्या जानकारी आप लोग? मेरे को यही जानकारी है, वो जन्म उनका यहीं का है बैठ का, और यही जगह मतलब बताए जाते हैं हमारे जो मतलब बुजुर्ग हैं दादाजी, उनके यही सुनना आता है कि यही जगह है, मतलब उनकी जन्म यहीं हुआ है मतलब उनका। तो कभी कोई सरकारी अफसर आकर के यहाँ पर उसने कुछ किया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया, देख के मतलब चले जाते हैं, मतलब अभी तक कुछ किया नहीं। आते हर साल मेला होता है यहाँ झिलमिल में तानसेन पे, जो मतलब वहाँ पे संगीत होता है, तो हर साल आते हैं, मतलब देख के चले जाते हैं मतलब। लेकिन सरकारी अफसर आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं हर साल आते हैं, बीच में भी आ जाते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या जानकारी है इस जगह के बारे में? हाँ, तो यही जानकारी है, आते तो यही देख जाते, फोटो खींच ले जाते, और पुरखा माँ का आते रहते, हम सुनते रहते। कौन आता है यहाँ पे? जी सरकारी आते जी, देख फोटो खींच ले जाते, लेकिन किया कुछ नहीं। हाँ।
और हम नहीं जानते कह दे हमारा जन्म भाई। तो ये वो घर है जहाँ पर तानसेन का जन्म हुआ ऐसा माना जा रहा है, लेकिन बहुत सारे सरकारी अधिकारी हर साल यहाँ पर आते हैं, घूम करके पर्यटन करके चले जाते हैं, लेकिन इसे सरकारी मान्यता आज तक नहीं मिल पाई है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़।